पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में हाई कोर्ट का फैसला। केजरीवाल की गुजरात हाई कोर्ट के फैसला पर लगाई थी रिव्यू पिटीशन। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने ऑर्डर में रद्द किया सीआईसी का ऑर्डर। वैष्णव ने फैसला सुनाने के साथ अरविंद केजरीवाल पर लगाया था जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर जिस तरीके से बवाल हुआ, कहीं ना कहीं अब चरम सीमा पर नजर आता है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहीं ना कहीं अब उनको गुजरात हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। बता दें कि पहले ही अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में फंसते नजर आए, उसके बाद प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल किया उन्होंने और गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर करी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री की जानकारियां जुटाने के लिए। लेकिन कोर्ट ने उनको बड़ा झटका दिया है और डिग्री की जानकारी के लिए किए गए याचिका को खारिज करते हुए उनको बड़ा झटका दिया है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है ऋतिक। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिराज जी। जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर जो है सवाल खड़े किए, उसके बाद वो गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां से झटका लगता है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं, क्योंकि अमित शाह पहले ही इस बात पर खुलासा कर चुके थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई की है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल शांत नहीं होते हैं, दिल्ली विधानसभा पहुंचते हैं, वहां पर जो है अनपढ़ राजा की कहानी सुनाते हैं। ये कह देते हैं कि मैंने अपने लाइफ में, जिंदगी में इतना अनपढ़ जो है राजा नहीं देखा, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को लगातार टारगेट करते रहे विधानसभा के अंदर और उनका मजाक बनाते रहे। सर, आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है हंसते हंसते जो है देश के प्रधानमंत्री की किल्ली उड़ा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब गुजरात हाईकोर्ट से यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लग गया। पहले यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है, राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को झटका लगता है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को फिर से झटका लग गया। और आप ये देखिए कि पहले ईडी का समन भेजा जाता है, ईडी के समन के बाद ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा, जो कि भेजना भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से भागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले ही एक और बड़ा झटका जो है कोर्ट से यहाँ पर सीएम केजरीवाल को लगता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी याद नहीं आया कि उनके जो राज्यसभा सांसद है, जो पदवी जो है अरविंद केजरीवाल ने दी है उनको, अपनी पार्टी में शामिल किया। राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं हम सिराज। यहाँ पर राघव चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी साइन कर दिए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया अभी आप युवा नेता हैं, राजनीति में आपने अभी अपने कदम रखे हैं, आप माफी मांग लो, आप सभापति के पास जाओ, उनसे ये बात कहो कि हमसे गलती हो गई। तो जब आम आदमी पार्टी के जो है नेतृत्व में, केजरीवाल के नेतृत्व में फर्जीवाड़ा होता है, तब केजरीवाल शांत रहते हैं। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, संजय सिंह जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, केजरीवाल कभी भी जा सकते हैं। और अब केजरीवाल पर एक और जो है झटका लग गया हाईकोर्ट का, तो मुझे लगता है कि दूसरी बार जो है यहाँ पर सजा सुनाई जा सकती है। एक सजा भोगेंगे तो दूसरी सजा को भी भोगना पड़ेगा, लेकिन कैसे जो है अपने आप को निजात दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर सिराज जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अनपढ़ राजा के तौर पर उनको संबोधित किया था, लेकिन ये मांग लगातार उठ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की है उसकी जानकारी सार्वजनिक करें और उसको हमें दिखाएं। और इसको देखते हुए जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने, उन्होंने भी जो है डिग्री दिखाओ अभियान शुरू किया था और आम आदमी पार्टी के लगातार नेता अपनी डिग्री दिखा रहे थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या प्रधानमंत्री डिग्री जिस तरीके से दिखाने की उनकी मांग उठ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डिग्री क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? बिल्कुल, डिग्री सार्वजनिक की गई है। अमित शाह ने किसकी डिग्री सार्वजनिक की थी? अमित शाह ने साफ तौर पर दिखाया था कि ये डिग्री देखिए पीएम मोदी की डिग्री है। और यहाँ पर केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए थे, यानी कि केजरीवाल ये चाहते हैं कि अगर कोई अनपढ़ है वो राजनीति नहीं कर सकता है। कई सारे ऐसे नेता हुए हैं जो अनपढ़ होने के बावजूद भी देश को चलाने में सक्षम साबित हुए। कई सारे नेताओं ने जो है देश की राजनीति में अहम कदम रख के राजनीति को बदला भी है, यानी कि विशुद्ध राजनीति जो है खत्म कर दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों का जहां जहां हनन हुआ उसको खत्म कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल का जो एक पूछने का तरीका था उस पर सवाल खड़ा किया गया कि आप कैसे जो है यहाँ पर पीएम मोदी को अनपढ़ राजा बोल सकते हैं, अनपढ़ राजा की कहानी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोर्ट का क्या फैसला आया सिराज, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी डिग्री के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने 9 नवंबर यानी कि आज के दिन ही केजरीवाल को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग CIC के गुजरात विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को रद्द करने के आदेश पर समीक्षा करने की अपील की थी। ये रिपोर्ट बता रही है जिसका मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ। इससे पहले न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव की पीठ ने समीक्षा याचिका को लेकर 30 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब होगा आपको कि 31 मार्च को जस्टिस वैष्णव ने CIC के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया था जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को RTI के तहत अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की शैक्षिक डिग्रियों की जानकारी देने के निर्देश दिया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ₹25,000 जुर्माना भी लगाया था। आगे की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सिराज आप भी क्या समझते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर कोर्ट ने झटका दिया है, अब अरविंद केजरीवाल का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है सिराज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में भी वो फंसते नजर आए और उनके 3 बड़े नेता कहीं ना कहीं अब रिमांड पे हैं, इसको लेकर अब ईडी ने उनको समन भी भेजा, लेकिन भले ही वो पेशी में शामिल नहीं हुए, लेकिन ईडी जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस रही है। और उसके बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों से जुड़ी जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनको झटका दे दिया और कहीं ना कहीं अब जो है उनकी सुगबुगाहट नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। देखिए सिराज, यहाँ पर कई सारे और बिंदु निकलकर सामने आए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने नेता राघव चड्ढा को रोकते कि भैया आप फर्जी साइन मत करो तो अच्छा लगता, क्योंकि अगर आप किसी की डिग्री पर सवाल खड़े करते हैं, अगर आप किसी की फर्जी बाड़े पर सवाल खड़ा करते हैं, तो सबसे पहले आपको दूध का धुला होना चाहिए, यानी कि आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो फर्जी वाड़ा करता हो। वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं जानकारी, इस पर समीक्षा आई है, उस पर भी हम जो है बात कर लेते हैं। केजरीवाल की समीक्षा याचिका में उल्लेखित प्रमुख दलीलों में से एक यह भी थी कि पीएम मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के गुजरात विश्वविद्यालय के दावे के विपरीत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने सराज ये आरोप लगाया था कि भले ही यहाँ पर डिग्री अमित शाह ने दिखा दी हो, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट पर कोई भी डिग्री जो है मौजूद नहीं है। ये बात जो है अरविंद केजरीवाल ने कही। मामले को लंबा खींचना नहीं चाहते थे केजरीवाल, इस पर भी जो चर्चा कर लेते हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता परसी कवीना ने न्यायमूर्ति वैष्णव के समक्ष दलील दी कि केजरीवाल हमेशा से ही कार्यवाही को जल्द से जल्द निपटाने की मांग करते थे और मुकदमे को लंबा खींचने में उनकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज पीएम मोदी की डिग्री नहीं है, बल्कि पार्ट सेकंड की अगर हम लोग बात करें, परीक्षा के लिए कुछ अंकों का ऑफिस रिकॉर्ड है और यह मामला उनकी MA डिग्री को लेकर है, ना कि BA डिग्री को लेकर। यानी कि यहाँ पर केजरीवाल की वकील पलटती हुई नजर आई, जबकि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ डिग्री की मांग की थी, अब MA और BA की बात सिराज यहाँ पर होने लगी। आपको आगे बताएं तो उन्होंने अपनी दलील में, यानी कि केजरीवाल की दलील जो यहाँ पर केजरीवाल की जो अधिवक्ता रही, उन्होंने अपनी दलील में इस बात पर भी जोर दिया कि डिग्री कोई मार्कशीट नहीं है, जबकि यूनिवर्सिटी का यह तर्क है कि संबंधित डिग्री इंटरनेट पर पहले से ही उपलब्ध है, जो कि गलत है। ये बात सामने निकल कर आई। ये तर्क कौन दे रहा है? ये तर्क दे रहा है यहाँ पर अधिवक्ता यानी कि अरविंद केजरीवाल की वकील, बिना किसी कारण विवाद खड़ा करने की कोशिश। ये इस पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे सिराज। दूसरी ओर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से पेश होते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केजरीवाल की समीक्षा याचिका सिर्फ मामले को गर्म रखने और किसी भी कारण की विवाद को खड़ा करने के लिए एक कोशिश थी। उन्होंने आगे कहा कि तत्काल समीक्षा याचिका दायर करने के लिए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जुर्माना लगाना चाहिए था, क्योंकि मामले में उचित उपाय अपील दायर न कर दायर अप माफ कीजिएगा हम आपको फिर से बता देंगे कि उन्होंने आगे ये कहा था, क्योंकि मामले में उचित उपाय अपील दायर करना था, ना कि समीक्षा याचिका दाखिल करना। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पहले से ही तमाम चीजें साफ पता था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर राजनीति खेलना चाहा। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि यूनिवर्सिटी किसी तीसरे व्यक्ति को किसी छात्र का पर्सनल डिबेट या जानकारी देने के बाध्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कहा गया कि आप कौन होते हैं कि आप किसी छात्र की डिग्री पूछ लेते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी बाध्य नहीं है कि वो आपको किसी तीसरे छात्र की डिग्री बताए। तो यहाँ पर तुषार मेहता और साथ में हम लोग बात करें अधिवक्ता परसी कवीना, तमाम लोग मौजूद रहे, और बाद में जो फैसला आया वीरेन वैष्णव का, उसने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति कर रहे थे और उस राजनीति करते करते बड़ा झटका लग गया है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ शराब मामला, तो दूसरी तरफ फर्जीवाड़े में अब अरविंद केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया और अब जल्द जेल जाएंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं, अब मेरा आपसे जो है एक आखिरी सवाल रहेगा बहुत ही चंद शब्दों में, कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में जो है एक नागरिक को अपने प्रधानमंत्री की डिग्री पे जानने के लिए उसका हक नहीं है कि प्रधानमंत्री उनका कितना पढ़ा लिखा है? देखिए, हक बिल्कुल है, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है और ये सवाल हर एक जनता का होना चाहिए, लेकिन सिराज सिर्फ राजनीति खेलने के लिए अगर आप इस तरीके से पूछते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये बात यूनिवर्सिटी ने कही है और अमित शाह ने इस बात को लेकर सामने डिग्री दिखाई भी है, लेकिन आप डिग्री को लेकर एक मुद्दा बनाते हैं कि पीएम मोदी की डिग्री क्या है। पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री अगर देश को चलाने का काम करे तो उसके पास अनुभव है, और यह संविधान में कभी नहीं लिखा है कि कोई अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अगर देश की प्रधानमंत्री को कुछ कमी पाई भी जाती है शिक्षा को लेकर, तो क्या वो एक देश को चलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? आप बताइए कि कहां नाकाम साबित हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अंग्रेजी बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री गुजराती बोल लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री को हिंदी बोलना आता है, देश के प्रधानमंत्री को तमाम राज्यों की भाषा को समझ में भी आता है, देश के प्रधानमंत्री काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस बीच में जो है डिग्री वाला मामला डाल देते हैं, ये गलत है। आप सवाल पूछो अच्छी बात है, लेकिन जब सवाल का जवाब भी आपको मिल जाता है फिर भी आप जो है गुजरात पहुंच रहे हैं, कोर्ट में पहुंच रहे हैं, तो आपको झटका लगेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने समझाया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सवाल खड़े किए थे, कहीं ना कहीं गुजरात हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है और जो कोर्ट ने है वो साफ इनकार कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी डिग्री है उनसे जुड़ी जानकारी जो है वो कभी नहीं जुटाई जाएगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल लगातार शराब घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।